एक गांव में करणचंद नाम का आदमी अपने पत्नी आरती और बच्चे महेश मंत्रा के साथ रहता था। करणचंद ट्रेन ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था। वो बहुत ध्यान से ट्रेन चलाता था। उसी तरह एक मिनट भी बिना देरी करे स्केड्यूल पर ट्रेन को स्थान पर पहुंचा देता था। उसकी वजह से करणचंद को बहुत सारे मेडल सर्टिफिकेट भी मिले, लेकिन उससे उसको तृप्ति नहीं मिलती थी, क्योंकि हर महीने जो उसे तनख्वाह मिलती थी उससे ज्यादातर भाग दर्शन नाम के इंसान को ब्याज भरने में चले जाता था। इसकी वजह से बीवी बच्चे की जरूरी ख्वाहिशें भी वो पूरी नहीं कर पाया। एक दिन करणचंद दर्शन से, दर्शन जी, मेरे दादा के रहने के समय से हम आपको ब्याज भरते ही आ रहे हैं। आपकी बढ़ती हुई ब्याज की वजह से असली उधार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब हम आपसे जितना लिए उससे 100 गुना ज्यादा ब्याज के रूप में भरा है हमने। कृपया करके हमें अब छोड़ दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके इतनी बड़ी ट्रेन चलाता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्रेन का खिलौना भी नहीं दे पा रहा हूँ, समझिए सर। क्यों रे, मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूँ? तेरे दादा मेरे दादा से उधारी लिए थे, तेरे पिता पूरी जिंदगी मेरे पिता को ब्याज भरे, अब तुम अपनी जिंदगी भर मुझे ब्याज भरते ही रहना पड़ेगा। बस वही नहीं, तेरा बेटा मेरे बेटे को, तेरा पोता मेरे पोते को, ऐसे चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम लोग इस जन्म में असली मूल वापस नहीं कर पाओगे। इसलिए सेंटिमेंटल डायलॉग्स छोड़कर पहले ब्याज के पैसे दो। करणचंद बड़े तकलीफ से उसे ब्याज के पैसे दिया। एक दिन करणचंद रात को ट्रेन चला रहा था तो दूर पटरी पर कुछ देखा। तुरंत रेल को रोका, ट्रेन से उतरकर पटरी पर जाकर देखा। वहाँ लिलीपुट राक्षस दिखाई दिए। उनका पैर रस्सी से पटरी को बांधा हुआ था। झुककर करणचंद देखा और डर गया। डरो मत, तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पहले हमारे पैरों में से बांधा हुआ ये रस्सी को खोलो। करणचंद उन दोनों की रस्सी को निकालकर उन्हें उसके हाथों में ले लिया। हमें एक चुड़ैल ये मायावी रस्सी के साथ इन पटरी पर बांधी, लेकिन तुम इतने रफ्तार में आते हुए भी हमें देख लिए और हमारी जान बचा लिए, मतलब तुम बड़े अच्छे ड्राइवर हो, ये समझ आ गया। हमारे अपने द्वीप में बड़े बड़े सोने के खने हैं, उन्हें हम समुन्दर के अंदर से एक द्वीप से दूसरे द्वीप को रवाना करना चाहते हैं। हम एक मायावी मनी ट्रेन को बनाएंगे, लेकिन उसे समुन्दर के अंदर चलाने वाले तुम एक लौते हो। अगर तुमने वो कर दिया तो हर महीने 10 किलो सोना, 4 हीरे देंगे, क्या कहते हो? करणचंद उसे मिला ये अवसर खुश होकर तुरंत मान गया। फिर करणचंद अपनी नौकरी छोड़कर समुन्दर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर उस मनी ट्रेन को चलाने लगा। उसमें बहुत ज्यादा सोना हीरे डालकर ट्रेन चलाने लगा। वो ट्रेन को उन लिलीपुट राक्षस के द्वीप में पहुंचाया। उनके द्वीप में जहां देखो वहां सोना हीरे ही थे। करणचंद बोट में घूमकर घर चले जाता था। वो राक्षस महीने महीने 10 किलो सोना और 4 हीरे देने लगे। करणचंद तुरंत दर्शन की उधारी चुका दिया। वो दंग रह गया था। कुछ ही दिनों में करणचंद बड़ा सा बंगला और कार खरीद लिया। हफ्ते में एक बार समुन्दर में वो मनी ट्रेन चलाने लगा। ये सब देख रहा दर्शन, ये इतनी जल्दी इतना धनवान कैसे बन गया, पता लगाना होगा, सोचा। एक दिन करणचंद के परिवार वाले वो मनी ट्रेन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो खिड़की से वो पूरी बात सुन लिया। आ, तो ये बात है, मैं किसी भी तरह उस द्वीप पर जाकर उन लिलीपुट को पैरों के नीचे कुचलकर वो सोना हीरा सब ले लूंगा, सोचा। अगले दिन रात को दर्शन करणचंद का पीछा किया। करण ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क पहनकर समुन्द्र में कूदा। फिर दर्शन भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर समुन्द्र में कूद गया। वो मनी ट्रेन चलने वाला था तो दर्शन तैरते हुए आकर उस ट्रेन पर चढ़ गया। वो ट्रेन चलने लगी, वो बहुत दूर तक गई। आखिर में वो उस द्वीप तक आ पहुंची। दर्शन ट्रेन से उतरकर वहां मौजूद एक पेड़ के पीछे छिप गया। उन लिलीपुट राक्षस के दिए सोने हीरे को लेकर करण वहां से निकल गया। दर्शन तभी वो राक्षस के सामने आ गया।
वो उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ऐ मैं कौन हूँ पता है? हमारे गांव में मैं बड़ा गुंडा हूँ। चुपचाप इस द्वीप का पूरा धन मुझे सौंप दो और तुम सब मेरे गुलाम बन जाओ, वरना तुम लोगों को मेरे पैर के नीचे डालकर कुचल दूंगा। औरत लिलीपुट राक्षस हाथ हिलाई, बस दर्शन तुरंत लिलीपुट में बदल गया। बाप रे, ये क्या, तुम लोग मेरे जितने बन गए? हम तेरे उतने क्या बनेंगे रे, तुझे ही हमारे जितना बना दिया। अब से तुम भी लिलीपुट ही रहोगे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, आज से तुम ही हमारे गुलाम हो। अब से तुम हमारे कुक कम, सर्वर कम, धोबी कम, मालिश करने वाले कम। यूं कह ही रहा था कि दर्शन सर चकराकर नीचे गिर गया। वहाँ करंजन वो मनी ट्रेन को चलाते हुए खुशी से जीने लगा। गोकर्णा नाम के गाँव में सोनू वाला नाम का एक धनवान रहता था। उसके महल के बगल में ही कन्हैया नाम के गरीब की झोपड़ी की बस्ती थी। कन्हैया मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े तैयार करते हुए परिवार की देखभाल करता था। सोनू वाले के बेटे का नाम था स्क्रू वाला, कन्हैया के बेटे का नाम था शुभम। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। शुभम को हमेशा क्लास में फर्स्ट मार्क्स आते थे, वो देखकर स्क्रू वाला को बहुत जलन होती थी। एक दिन टीचर, बच्चों पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ही भविष्य अच्छा बनेगा। तुम लोग बड़े होकर क्या क्या बनने की सोच रहे हो, एक एक करके बताओ। टीचर मैं MBBS पढ़कर डॉक्टर बनने की सोच रही हूँ। मैं गरीबों को मुफ्त में वैद्य सेवा करना चाहती हूँ। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ मैडम, मुझे कार बाइक बहुत पसंद है। अलग अलग टाइप के मॉडल्स बनाकर कम दाम में गरीबों को देना चाहता हूँ मैडम। मैं बड़ा होकर बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए इन गरीब लेकिन बुद्धिमान शुभम जैसे लोगों को काम पर रखूंगा। महीने महीने की तनख्वाह मुंह पर फेंककर उनकी होशियारी मैं अपने व्यापार में उपयोग करूंगा। वही है इन गरीब और मेरे जैसे धनवान में फर्क। वो सुनकर सारे बच्चे ही यूं हंसे। यू आर एन इडियट, तुम्हारे पिताजी की कमाई जायदाद देखकर इतना घमंडी मत बनो। गरीबों को यूं नीचा देखना ठीक नहीं है, पढ़ाई हर किसी के लिए जरूरी होती है। स्टूपिड फेलो। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग मिनिएचर विलेज तैयार करके कंपटीशन के लिए लेकर आओ। जो भी अच्छा बनाएगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। कौन कैसे बनाएगा, किससे बनाएगा, ये उनकी मर्जी है। उस दिन घर पर स्क्रू वाला छोटे छोटे घर, गली, करंट के स्तंभ, करंट वायर्स सब लेकर विलेज बनाया। उनमें अलग अलग किस्म के वाहन भी रखा। वो देखकर उसकी माँ, अरे बेटा खुद से सोचकर तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट दिए थे, इतने पैसे डालकर हमसे क्यों खरीदवाया, इतना खर्च करवाया, इसके बाद भी फर्स्ट प्राइज नहीं आया तो इज्जत ही नहीं रहेगी, कहकर चली गई। जो मम्मी कह रही है वो तो सच ही है, वो शुभम बहुत होशियार है, वो जरूर मुझसे अच्छा कुछ बनाएगा, उसे किसी भी परिस्थिति में बहुमान नहीं मिलना चाहिए, सोचा। घर पर शुभम के पिता, बेटा ये प्रोजेक्ट के लिए सोनू वाला जी कीमती चीजें खरीदे हैं, ये मैंने देखा, मुझे माफ करो बेटा, मैं उतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। पिताजी ये सब तो खुद के दिमाग से तैयार करने वाली चीजें हैं, अब दुखी मत होइए, हमारे पास बहुत सारा मिट्टी है ना, मेरे लिए वही काफी है। इस तरह शुभम फिर एक मिनी क्ले विलेज तैयार किया, उन पर रंग भी लगाया, अलग अलग किस्म के क्ले के वाहन भी उसमें रखे। दीवार के दूसरे तरफ से वो देखकर स्क्रू वाला दंग रह गया था, फिर पानी के पाइप से उस पर पानी डाल दिया, बस वो मिनिएचर विलेज पूरी तरह से गल गया। अगले दिन आकर देखा तो शुभम बहुत दुखी हुआ। स्कूल में स्क्रू वाला का मिनिएचर देखकर सब जब ताली बजा रहे थे तो टीचर ने उसे ट्रॉफी दी, वो देखकर शुभम बहुत दुखी हो गया। स्कूल के बाहर स्क्रू वाला, क्यों भाई शुभम प्राइज नहीं आया सोचकर दुखी हो, जाने दो बेचारा, वैसे कल क्या बारिश हुई थी ना, वो भी देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट पर ही बरसात हुई है, मैं देखकर तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया था। यूं हंसते हुए चले गया। तब शुभम को वो काम उसी ने किया है ये बात समझ में आ गई। उसके घर के पास वो दुखी बैठा था, तभी एक मिट्टी का घड़ा लुढ़कते लुढ़कते उसके पास आया।
उसे, बेटा शुभम तुम दुखी मत हो, जो हुआ मैंने वो सब देखा, मैं मायावी घड़ा हूँ, अब से तुम जो भी मिट्टी से बनाओगे उसमें सच में जान आ जाएगी, हवा पानी या अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुभम तुरंत उस घड़े को नमस्कार किया, वो फिर एक मिनी क्ले बाइक बनाया, उस पर जा रहा था तो सब आश्चर्य होकर उसे देखने लगे। स्कूल में सारे बच्चे वो देखकर दंग रह गए थे। वो देखकर स्क्रू वाला जलकर राख हो गया था। चुपचाप बिना किसी के नजर आए जाकर उस पर पानी फेंका, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन शुभम मिनी क्ले कार में स्कूल आया। मिनी क्ले जीप, मिनी क्ले ट्रैक्टर, ऐसे हर दिन एक एक किस्म के गाड़ियों पर आने लगा। उस रात स्क्रू वाला उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश किया, लेकिन उन्हें आग नहीं लगी तो वो हैरान रह गया था। अगले दिन शुभम मिनी क्ले लॉरी में जब स्कूल आ रहा था तो स्क्रू वाला अपने मिनी कार में तेजी से आकर उसे टक्कर मार दिया। बस उसकी कार टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। वो उड़कर पत्थर पर गिर पड़ा। वो खड़ा होकर चोट देखकर यूं रोने लगा। इतने में लोग वहां इकट्ठा हुए। क्यों रे, तुम ही मेरे प्रोजेक्ट का नाश किए, मुझे पता है, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं हर दिन एक एक नए नए व्हीकल में आता हूँ तो तुम्हें क्या है, हम जैसे गरीब लोग खुश रहे तो तुम जैसे अमीर देख नहीं सकते क्या, हम हमेशा तुम धनवान से झुक कर ही रहे क्या, तुम मेरे वाहन को नाश करने की प्रयत्न किए लेकिन वो नहीं हुआ, तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, कम से कम अब से अपनी सोच बदल कर अच्छे से जियो। मुझे माफ करो शुभम, मैं अब से वैसा गलत काम नहीं करूंगा, मेरा घमंड तोड़कर मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगा। शुभम फिर गांव में सबको मुफ्त में वाहन बनाकर देने लगा, उसे लोग इस्तेमाल करते हुए खुशी से जीने लगे। इस तरह स्क्रू वाला शुभम अच्छे दोस्त भी बन गए।